स्वागत है आपका स्टेट बस न्यूज में और मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज के तमाम खबरों की ओर। आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने आवासीय कार्यालय में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उपायुक्त ने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्म निरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भावना की भावना को प्रगढ़ बनाने में 100% अपना योगदान दे। आगे उपायुक्त ने कहा कि हमारे देश के इतिहास में आज ही के दिन हमने दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र दिवस का नागरिक होने का गौरव पाया है। यह गणतंत्र आजादी की लड़ाई में नौछावर करने वाले शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऐसे में हम सभी को चाहिए कि शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दें। इसके साथ साथ समाज में आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए सभी निरंतर प्रयासरत हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री आनंद प्रकाश, उप विकास आयुक्त श्री प्रवीण कुमार गगराई, उप पुलिस उपाधीक्षक सह अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला श्री हरविंद्र सिंह, अपर उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी समेत जिले के सभी वरीय पदाधिकारी व कर्मचारी आदि मौजूद थे। इस चौहत्तर गणतंत्र दिवस में आज हम लोग हैं। आज का दिन ये जो बहुत लोकतंत्र या स्वतंत्र देश हमारा भारत वर्ष है और इस भारत वर्ष में बहुत सा समुदाय, बहुत सा भाषा, बहुत से धर्म के हम लोग सदियों से भारत के अंदर में हम लोग हैं। जब इस देश किसी एक समय 200 साल तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने बंदूक का नोक पर गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस भारत गणराज्य जो लगातार आगे बढ़ रहा है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और यह वर्ष G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा और इसकी विविधता का प्रदर्शन पूरे देश के अंदर होना है। इस गणतंत्र दिवस पे हम सब लोग इस भारत के गणराज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं कास्ट चंदनकारी से पूरे झारखंड को, देशवासियों को देते हैं। बहुत बहुत बधाई। मैं सभी को अपने यूनिवर्सिटी के सभी जो मेंबर्स हैं और बाहर के जितने आदरणीय जो जनता हैं सबको मैं 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं देता हूँ। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।